सो है इज वेलकम टू माई चैनल टेक एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो सो आज इस वीडियो में बात करूँगा कि क्या ए आई एक बच्चे का दिमाग को प्रिडिक्ट कर पाएगा आई I मीन mean, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो क्या करेगा और वो फ्यूचर में जाके आगे जाके क्या करेगा क्या ये चीज़ ए आई प्रडिक्ट कर पाएगा इसके बारे में ये पूरा वीडियो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और पूरा चीज़ को समझोगा इस तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो क्या हुआ कि प्रिंसिप्ट की एक साइंटिस्ट त्रिस्नित ग्रीज वो क्या किया कि 160 डेटा साइंटिस्ट को लेके ये टॉपिक के ऊपर बहुत ही डीपली रिसर्च किया था और इस रिसर्च के ज़रिए वो पंद्रह साल की पूरा डेटा को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उस डेटा के ऊपर वो काम किया आई I मीन mean, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसका जब पंद्रह साल उम्र होते है उस टाइम का जो बीच में मैं आई मीन टाइम का जो बीच में जो डेटा होते हैं मतलब पूरा जो डेटा एक जन्म मतलब एक जब वो जन्म लेता है उसके बाद से एकदम पंद्रह साल के बीच में जो डेटा है उस डेटा को लेके वो क्या किया कि पूरा चीज़ को ट्रेन किया और एक एक और ये डेटा कि सिर्फ एक ह्यूमन के नहीं है बहुत सारे ह्यूमस का डेटा था तो वो डेटा लेके वो ट्रेन किया तो गाइस एट दी एंड जो रिज़ल्ट उन लोगों को मिला ये सुन के कहीं सब घबराहट हो जाओगे कि ये रिजल्ट मिला जो वो है कि कभी ए एक बच्चे का दिमाग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा लगभग अगर आपके पास जितना भी डेटा हो सके तो भी नहीं कर पाएगा तो ये है अल्टीमेट रिज़ल्ट का तो क्यों नहीं हो पाएगा चलिए अब बात करता हूँ इस वीडियो पे आप लोगों के साथ गाइस मेनली क्या हुआ कि इसके ये क्यों नहीं हुआ इसके टॉपिक पे आने के पहले मैं कुछ आप लोगों को एक चीज़ बताना बताना चाहता हूँ कि गाइस 2004 में एम का एक साइंटिस्ट ने एक बच्चे का दिमाग को मॉनिटर किया था पूरा पाँच साल तक मॉनिटर किया था जब वो जन्म लेता था उसके बाद वो पाँच साल तक पूरा चीज़ को मॉनिटर किया था मॉनिटर करने के टाइम पे वो चीज़ एक वो साइंटिस्ट ने एक चीज़ नोटिस किया था कि गाइस पाँच साल तक वो बच्चा का जो ब्रेन का जो कनेक्शन आई मीन सपोज ये एक न्यूडन है और ये एक न्यूडन है इन दोनों न्यूडन का जो कनेक्शन होते हैं उसको हम लोग वेट्स बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में तो जो वो जो ये जो वेट्स थे वो वेट्स काफ़ी डेंस थे गाइज डेंस मतलब एक दो तीन चार बहुत ही ज़्यादा डेंस वेट्स थे तो इस मतलब इससे ये साबित होता है कि गाइस एक बच्चा ज़ीरो टू फाइव इयर्स तक जो भी चीज़ सीखता है वो चीज़ वो सारे मतलब ये सीखने का जो पावर्स होते हैं ये सीखने का पावर्स उसका पूरा ज़िंदगी में नहीं होता है कि जितना पावर्स वो ये इस पाँच साल पे वो एक बच्चे के अंदर मतलब ब्रेन पर जो रहता है तो बेसिकली क्या हुआ कि वो जब जन्म लेता है उसको बहुत चीज़ सीखना पड़ता है एक है चलना दूसरा है बोलना तीसरा है लोगों को समझना चौथा है लोगों चीज़ को देखना सारे ऑर्गेन्स को समझना फील करना ये पूरा चीज़ एक बच्चे को सीखना होता है उस उम्र में तो इसलिए उसका जो डेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं जब वो उसको पाँच साल क्रॉस कर जाता है उसको पूरा पूरी मतलब एक आइडिया बेसिकली आइडिया और एक्सपीरियंस हो जाते हैं जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल पे होते हैं एक मतलब एक डेटा सेट को ट्रेन करने के बाद उस मॉडल का जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्सपीरियंस लेके मॉडल आगे जाके प्रेडिक्ट करता है एग्जैक्टली गाई सेम चीज़ होता है चलो आइए अब बात करता है कि क्यों ए एक बच्चे का दिमाग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरा यूनिवर्स में जितना ब्रेंस है हर एक ब्रेंस यूनिक है हर ब्रेंस के अंदर कोई ना कोई एक अलग सा मुझे लग मतलब मैं, तो, मैं फील कर दो कि सारे के पास ही टैलेंट होते हैं गाई सारे सब लोगों के पास टैलेंट होते हैं वो टैलेंट कुछ कुछ लोगों को दिखाई देता है जो पॉपुलर होते हैं कुछ कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता है उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसके अंदर ये टैलेंट है तो इसलिए कि बहुत सारा जो ब्रेन्स होते हैं बहुत सारा ब्रेंस के अंदर कुछ ना कुछ अलग सा टैलेंट्स रहता है उसके साथ साथ सारे ब्रेंस यूनिक होते हैं तो कभी भी एक ब्रेन के ऊपर एक ब्रेन डिपेंड नहीं करता है गाइस अगर आपका ब्रेन मतलब जब आप जन्म लेता हो उससे टाइम से अगर आपका ब्रेन पे बहुत ही हाईली ट्रेंड कर गया आपका ब्रेन तो अब आगे जाके तन्मय बख्शी जो कि आई बी का अवार्ड मिला है वो भी हो सकता है या बहुत ही आगे जाके एक छोटा सा साइंटिस्ट भी वो हो, हो सकता है तो बेन मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक ये एक मशीन लर्निंग मॉडल की तरह ही है आप मॉडल को जितना डेटा दोगे मॉडल उतना ही सीखेगा अगर आप उसको डेटा नहीं दोगे वो तो नहीं सीखेगा वो आगे जाके कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा सिंपली ब्रेन भी वैसे ही है ब्रेन को जितना सिखाया जाएगा ब्रेन उतना सीखेगा आगे जाके वो एडवांस होगा तो सिंपल क्या होगा ह्यूमन ब्रेन बहुत ही मेनुपुलेटेड ब्रेन मेनुपुलेटेड एक फंक्शनलिटीज है ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो कि मैनुपुलेट हो सकते हैं मतलब जब मेनुपुलेट हो सकते हैं उसके अंदर जो डेटाज़ रहता है वो भी चेंज होते हैं मतलब उसका जो डेटा का जो कनेक्शंस होते हैं जो पैटर्नस होते हैं वो कभी सेम नहीं होता है सारे ब्रेन्स के साथ तो अगर ही सेम नहीं है तो डीप लर्निंग का क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्योंकि डीप लर्निंग सारे पैटर्नस फॉलो करके आगे जाके प्रेडिक्ट करता है यहाँ पे क्या होता है कि गाइस जितना ह्यूमन ब्रेन्स रहता है वो सारे ह्यूमन ब्रेंस अलग अलग होते हैं अलग अलग डेटा पैटर्नस होते हैं सारे लोगों का अलग अलग सब मतलब डेटाज़ होते हैं अलग अलग सब ब्रेन का पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न सभी ब्रेन के साथ मैच नहीं होता है तो नॉर्मली क्या होता है इसके जो दिक्कत होता है कि गाइस पैटर्नस अलग हुआ मतलब कि डेटा सेट अलग हुआ इसके मतलब है कोई भी डेटा सेट के ऊपर आप ट्रेन नहीं कर पोगे क्योंकि लॉस बहुत ही ज़्यादा आएगा गाइस तो इसलिए ये रिसर्च फेल हो गया था यह कभी पॉसिबल नहीं होगा अगर आपके पास जितना भी डेटा हो क्योंकि गाइस इधर डेटा मैटर नहीं कर रहा है गाइस इधर जो मैटर कर रहा है वो है पैटर्न्स सभी लोगों का डेटा का जो पैटर्न्स होता है कुछ कोई ना कोई तो एक भी पैटर्न्स होना चाहिए ना एक मॉडल को समझने के लिए कि आगे जाके वो पैटर्न्स को कैसे प्रेडिक्ट करेगा राइट तो यहाँ पे कोई पैटर्न्स ही नहीं है तो कैसे प्रेडिक्ट होगा तो सिंपल यही है यही था रीज़न आई होप आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया तो गाइस मेरे चैनल पर इस टाइप का वीडियो लाने का एक ही मकसद है क्योंकि गाइस आप जो सीख रहे हो वो एक सिलेबस के अंदर है आगे जाके आपको रियल लाइफ पूरा चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा तो मैंने मैं सोचता था मैं सोच रहा था कि छोटा छोटा करके आपको अगर रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस रियल लाइफ का जो रिसर्च होता था अभी भी चल रहा है उसके बारे में बात करूँगा तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टाइप के ऊपर कैसा अप्रोच कैसा अलगोर्देम कौन सा टेक्निक आप आगे जाके यूज़ कर सकते हो फॉर योर डिटेल्स फॉर योर रिसर्च फॉर योर प्रोजेक्ट्स कोई भी हो सकता है तो इसलिए मुझे मेरा ये मकसद था कि आप लोगों के साथ मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हो मैं को शेयर करूँ इस चैनल पर तो इसलिए गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ एक वीडियो को लाइक करो अगर इस वीडियो आपका इस वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरा जो मैं जैसे आपको सम मतलब समझ आई मीन जो अब मैं जैसे आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ अगर आपको मेरा इंट्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो मुझे और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा चीज़ क्लियर नहीं हुआ अगर क्लियर हो गया तो वो भी बताओ